जानती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम असली अनुप्रिया के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो। मुझे अनुप्रिया बना के कल्याणी तुम्हारी ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है और वो मुझे सब कुछ सिखा चुकी है, उसके तौर तरीके, उसका उठना बैठना, हर चीज। और कल्याणी मुझे धीरे धीरे अनुप्रिया का साइन करना भी सिखा देगी, तो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। क्या परेशानी है? अरे फ्लॉप फिल्मों के लायक ही है तू। अरे ढेले भर की तौकड़ नहीं है तुझने? अरे करियर क्या खाक बनाएगी तू? ये देख, ये है मिहिका और ये अनुप्रिया। अगर मैं ये कहूँ ये मिहिका नहीं अनुप्रिया है तो लोग मान जाएंगे, लेकिन इस असली अनुप्रिया का खतरा हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये कभी भी वापस आके हमें बर्बाद कर सकती है। इसीलिए इस खतरे को मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। मतलब तुम अनुप्रिया को मार डालोगी? हाँ। कल्याणी का प्लान उसी पे भारी पड़ेगा। उसने तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए यहाँ भेजा था ना अनुप्रिया बना के, तो अब उसके इस झूठ पर मैं सच का मोहर लगा दूंगी। तुम्हारे लिए मैंने अनुप्रिया के नाम का बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ बना लिया, ताकि कानून भी तुम्हें अनुप्रिया ही समझे। और फिर तो कानून की बात कल्याणी भी नहीं डाल सकती। और वो पेपर्स कहाँ पर है? हमारे कर्ता धर्ता के पास, जिन्होंने हमारी किस्मत लिखी है, और आगे की किस्मत भी वही बदलेंगे। गणपति बाबा, प्लीज मेरी मदद करिए आत्या का सच जानने में। आखिर उनका असली प्लान क्या है, प्लीज ये जानने में मेरी मदद करिए। लेकिन मैं तुमसे आपको बता तो चुकी हूँ मैं अनुप्रिया हूँ। आप मानने को तैयार नहीं? मैं हूँ अनुप्रिया, मान लीजिए ना। क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? फिर से वही अलाप जप रही हैं कि तुम अनुप्रिया नहीं हो। मैं थक गई हूँ इनको बता बता कि मैं हूँ अनुप्रिया, मैं हूँ अनुप्रिया। अरे आई, तुम्हें तो पता है ना दीवार पे सिर मारने से ना सिर्फ खुद का खून निकलता है। तुम रहने दो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। ये कल्याणी मुझे अनुप्रिया तक पहुंचने ही नहीं दे रही है, हर बार बीच में आ जाती है। इस कल्याणी का कुछ तो करना पड़ेगा। अत्या ने भाई के बारे में बहुत ज्यादा सवाल जवाब किए क्या? हाँ, ज्यादा परेशान किया? हाँ, मतलब मुझे अकेला देखा और वो शुरू हो गई। वो तो तुम टाइम से आ गई और मुझे बचा लिया। नहीं, अब ये सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है। अब आई को ना इस घर में रखना सेफ नहीं है। आतिया बहुत बेताबी से आई को ढूंढ रही है, तो मुझे लगता है कि आई को ना ढूंढ ही लेंगी। अब मुझे आई को इस घर से कहीं दूर छुपाना होगा। आत्या आई के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेती ना, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। और इससे पहले कि आत्या आई को ढूंढ ले, मुझे आई को इस घर से दूर लेकर जाना होगा, उन्हें कहीं और छुपाना होगा। नहीं छोड़ो ना। चुप, बोला ना चला। आई, बचाओ आई। ये आई तुम्हें नहीं ले सकती। आई, चला, आई बचा।
बड़ी मुश्किल से तुम्हारी आई मेरे हाथ लगी है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ने वाली। नहीं, नहीं, रुको। छोड़ो ना। हाय। जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे साथ तुम थी, अनुप्रिया नहीं। ओके। समझी? कल्याणी की चीखें सुनकर रुपया छुप नहीं पाएगी, बाहर जरूर आएगी। ये तो आई की आवाज है। अरे कहाँ हो अनुप्रिया, बाहर आओ, तुम्हारी कल्याणी तकलीफ में है। कल्याणी, कल्याणी, आवाज तो कल्याणी की थी। कल्याणी, आई, 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 आई यहाँ है तो अपर्णा के साथ। मैंने अनुप्रिया को देख लिया है, अब तुम लोग उसे मुझसे छुपा नहीं पाओगे, समझे? अब मैं सबके सामने असली अनुप्रिया को लाके रहूंगी। हटो। तुम्हारा खेल खत्म। मैंने तो अनुप्रिया को देखा था। हाँ तो ये वही तो है, मेरी आई अनुप्रिया। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम सब माई को छुपा रहे हो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूं कि वो यही है और मैं आप सबको बस बहुत हो गई अब आपकी बकवास। चुपचाप अपना सामान उठाइए और निकल जाइए इस घर से। अपर्णा, अरे छोड़ो, छोड़ो इसे। क्यों छोड़ो इसे? जब आप लोगों को इसकी परवाह है ही नहीं तो ये आप लोगों के साथ क्यों रहे? और अगर कल्याणी मुझे जबरदस्ती इस घर से निकालती है तो फिर मैं भी अनाथ आश्रम के ट्रस्टी के साथ यहाँ वापस आऊंगी, और फिर उनके सामने अगर तुम लोगों का झूठ पकड़ा गया ना तो फिर गुनगुन हमेशा हमेशा के लिए तुम सबसे छिन जाएगी। क्या? छोड़िए हाथ उसका। आपको जो करना है ना करिए, मैं भी देखती हूँ कि आप
हमें गुनगुन से दूर कैसे करती है। छोड़ो मुझे गुनगुन, आज की रात मेरी आखिरी रात है इस घर में, याद रखना। निकलो। अरे ऐसे नहीं रोते हैं, तेरी कल्लू है ना, तेरी कल्लू तुझे कभी दूर नहीं होने देगी। और ये मेरा वादा है। बेटा चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी को नहीं खोऊंगा। मैंने फैसला ले लिया है, ट्रस्टी के सामने मिहिका ही अनुप्रिया बनकर रहेगी। काका कैसी बातें कर रहे हैं? अपर्णा दत्त के सामने ठीक था, लेकिन ट्रस्टी के सामने हम झूठ कैसे बोलेंगे? मुझे लगता है हमें सच बताना ही होगा। हाँ काका, मल्हार जी सही कह रहे हैं, हमें ट्रस्टी को सब सच बताना होगा। देखिए हम ना उन्हें आई के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देंगे। देखिए काका, वो भी तो एक इंसान है, वो जरूर हमारी प्रॉब्लम समझेंगे और गुनगुन को हमसे दूर नहीं लेकर जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आई, आज घर पे फिर से पूजा है क्या? नहीं तो? तो फिर तुमने मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए? क्योंकि आज हम बाहर जाने वाले हैं। बाहर? हाँ बाहर जाने आज हम बाहर जाएंगे। हाँ लेकिन आई तुमने तो कहा था कि हम गेम खेल ले। तो बाहर जाऊंगी तो आउट हो जाऊंगी ना, मुझे नहीं बाहर जाना। नहीं नहीं तुम आउट नहीं होगी, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। जो गेम चल रहा है ना हमारा, उसके ना थोड़े रूल्स चेंज हो गए हैं। मतलब समझ लो अभी गेम ना फिलहाल पॉज पे चल रहा है, इसलिए हम बाहर जा सकते हैं। हम बाहर जा सकते हैं तो हम सबसे मिल सकते हैं। हाँ हम अभी जाएंगे और सबसे मिलेंगे, क्योंकि आज ना एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है। क्या है? आज हम बाहर जाकर सबसे मिलने वाले हैं और कुछ लोग आने वाले हैं हमारे घर में, उनके सामने ना मैं एकदम गुड गर्ल जैसे बिहेव करना है, वरना वो लोग हमारी गुनगुन को ना हमसे दूर लेके चले जाएंगे। नहीं 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 मैं गुनगुन को कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, करोगी ना? हाँ क्या है? यही कि जो मेहमान हमारे घर में आएंगे ना, तो जब तक वो वहां रहेंगे तुम एकदम गुड गर्ल की तरह सिर्फ खड़ी रहोगी, कुछ भी नहीं बोलोगी, एक डेढ़ घंटा कुछ नहीं बोलना है। अगर वो लोग कुछ पूछे भी बोले भी ना, तो भी बीच में कुछ नहीं बोलना है। बताओ करोगी? एक घंटा ठीक है, एकदम चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। गुड गर्ल। अपर्णा ने आप लोगों पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सर देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे कि आप हमारी बात सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बात दरअसल कुछ और है। वो सच ये है कि अपर्णा का तो दिमाग खराब हो गया है। ये तो कुछ भी बकवास कर रही है और इसे हम पर भरोसा भी नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप हमारी बहू अनुप्रिया के साथ बात कीजिए, आपको सब समझ आएगा। जानता था कि आपको भी नींद नहीं आई होगी,
डर लग रहा है कि कहीं अपर्णा ट्रस्टीज को लेकर आएगी तो क्या होगा। गुनगुन को यहाँ से जाना पड़ेगा। आई नो आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर यही सच है। अपर्णा किसी भी कीमत पे गुनगुन को यहाँ नहीं रहने देगी। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गुनगुन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसका कोई फायदा नहीं है, आप पर केस हो जाएगा और अगर आप पकड़े गए तो गुनगुन को आपसे छीन लिया जाएगा। नहीं तो आप जिंदगी भर उसे लेकर घूमते रहेंगे। क्या आप ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं गुनगुन को? तो मैं और क्या करूं? वही जो आपने कहा था, मुझे अनुप्रिया बना के ट्रस्टी के सामने खड़ा कर दीजिए। और एक बार कस्टडी पेपर साइन हो गए तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे भी इन हालातों में अब और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपर्णा कहना क्या चाहती है। सर बात दरअसल ऐसी है कि अपर्णा के दिल में खोट है। हमें कहती रहती है कि हम उसके खिलाफ खेल खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी मतलब अनुप्रिया गुनगुन की आई, वो यहीं होने के बावजूद कस्टडी के पेपर्स पे साइन ही नहीं करना चाह रही है। ये मेरी पत्नी, ये देखिए देखिए, ये मेरी वाइफ। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये औरत अनुप्रिया नहीं है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए सर, ये एक एक्ट्रेस है। इन्हें देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इन्हें मैंने कहीं देखा है। सर मैं हूं एक हीरोइन सर, बट ये लोग मेरा परिवार है सर, और बाकी एक्ट्रेसेस की तरह मैंने भी अपने परिवार को छुपाया है। बहुत से स्टार्स की तरह मैंने भी इंडस्ट्री में अपना नाम चेंज करके सर्वाइव किया है। आप तो जानते ही होंगे औरतों के लिए कितना मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। अक्सर अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि शादीशुदा औरतों को कोई हीरोइन नहीं मानता सर। पर मेरी जिंदगी है गुनगुन सर, और इस करियर से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज गुनगुन को मुझसे मत लीजिए, प्लीज मेरी गुनगुन मुझे दे दीजिए सर, प्लीज। अरे अरे आप चुप हो जाइए, आप रोइए मत। देखिए मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, और फिर मैं आप पर यकीन भी तो कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आओ साहब, लेकिन कल्याणी रहने दो। मतलब क्यों परेशान हो रही हो? सारी बातें हो तो गई ना। और सर आपको अगर यकीन फिर भी दिलाना हो तो मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ। ये देखिए, अनुप्रिया का पासपोर्ट, हमारी शादी की पहली फोटो, देख लीजिए आप, ये अनुप्रिया है और मैं ही है उसमें। काका आप ये, अरे नहीं, जरा हमारे साथ है ना, बहुत जरूरी काम है तुमसे, चलो। कल्याणी ये खेल तुमने शुरू किया था, अब इस खेल को हमें खत्म करने दो। हमने तुम्हें उसी वक्त आगाह किया था कि इस खेल की वजह से हम सब मुसीबत में आ सकते हैं, लेकिन तब तुमने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। अवसर देखिए, तब की बात अलग थी, अभी सिर्फ बस हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, इसलिए कि एक बार हम अनुप्रिया और उसकी बेटी को एक दूसरे से अलग कर चुके हैं, अब दोबारा यही पाप हमसे नहीं होगा। कल्याणी अवसर देखिए, मेरी बात सुनिए। बस कल्याणी, अब हमें और सार्थक को इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने दो। आओ साहब, नहीं, अभी हम किसी की नहीं सुनेंगे, बस। कल्याणी, नाचिब, देखो, मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन
तुम जानती हो ना ये सब गलत हो रहा है। पता है मल्हार जी। और इस सब की वजह से हम सब जेल जा सकते हैं। गैर कानूनी है ये। जानती हूँ मल्हार जी। और अब तो मेरा शक ना यकीन में बदल गया है कि आत्या कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है और हम सभी को फंसाना चाह रही है। हाँ कल्याणी, वो तो मुझे भी लगता है, लेकिन करना क्या है अभी? एक ही तरीका है, आई को हमें सबके सामने बाहर लाना होगा।